तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OB46 व्लॉग्स। तो टाइटल थंबनेल से समझ गए होंगे, तो आज इस बाइक पे लगने वाले अपने यूट्यूब के इंस्टाग्राम के लोगो, मतलब मेरे दोस्त की गाड़ी है तो उसके ही लोगो लगने वाले। तो फटाफट चलते हैं अपने स्टूडियो प्लेस पे और वहाँ पे वीडियो चल के स्टार्ट करते, बैठ जा। ये है अपना आउटडोर नेचुरल स्टूडियो, तो देखो ग्रीनरी वगैरह काफ़ी तगड़ी लग रही है। और यहीं पे ड्रिफ्टिंग का वीडियो शूट हुआ था, नहीं जाके देखा है तो देख लो अभी। और अभी इस पे करते स्टिकर सप्लाई। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे यूट्यूब का लोगो, यहाँ पे गोप्रो का स्टिकर, और अब तक जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का लगेगा। तो अभी देखते हैं, अगर स्टिकर्स बड़े छोटे होते हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, या फिर यहाँ पर लगाना पड़ सकता है हमें। तो जैसा भी होता है अभी हम लोग दिखाएँगे आपको आगे आगे। और एक बात गाइज़ कि ये जो स्टिकर्स बनवाए हम लोग ने, ये है हमारे यूट्यूब के लोगो, इंस्टाग्राम के लोगो, और ये यूज़र नेम और ये चैनल का नेम वगैरह। तो अभी देखते हैं कहाँ पे क्या क्या फिट होता है। और एक बात गाइज कि ये जो मटेरियल है, मतलब ये मैट वाले हैं, मतलब इसके ऊपर फ्लैश गिरेगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे सिवाय इस रेड वाले को छोड़ के, बाकी सब मैंने मैट में बनवाए क्योंकि मेरे बाइक में भी मैट वाले लगे। अगर आप नाइट में फ़ोटो वगैरह खींचते हो तो ये काफ़ी प्यारे वाइट दिखते हैं, अगर आपका अगर वो वाइट कलर में होगा रिफ्लेक्शन वाला तो जैसे ही फ़ोटो क्लिक करोगे तो वैसा पिक्सल्स फट जाते हैं उस जगह पर। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ लगाना है इन्हें। और स्टिकर्स वगैरह हम लोगों ने हाई क्वालिटी में बनवा लिए, सेम उसी क्वालिटी के जो मेरे बाइक पे लगे हुए, बस कलर हम लोग ने इस बार मेरे सारे वाइट कलर के, इसमें हम लोग ने ब्लैक और वाइट कलर के लाए हुए हैं। तो भी देखेंगे कौन सा मैच करेगा, वो लगाएंगे हम लोग। तो अभी एक और सीन ऐसा है गाइस कि इस गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप इन्हें लगा सकते हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है। तो काफ़ी सारी जगहें हैं, पीछे भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ लगा सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन थोड़ा सा मेरा दोस्त अभी कंफ्यूज है, तो भी देखते हैं एक एक स्टिकर लगा के देखेंगे कि कहाँ पे क्या ठीक लग रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग करने वाले। और गाइज जब भी आप यूट्यूब के लोगोज वगैरह बनाओ तो याद रखना उसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप कहीं लॉन्ग राइड्स पर या फिर कोई सीरीज़ कर रहे हो और वॉश करवाया आपने और वो स्टिकर ही निकल गया। तो ऐसा होता है गाइज, क्योंकि हम लोग अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें महाकाल का एक तिलक करवाया था हम लोग ने, तो इसका वाइट वाला जो पार्ट था वो, सॉरी रेड वाला जो पार्ट था वो सेकंड वॉश में ही निकल गया, और साथ में ये जो वाइट वाला है इसके ऊपर की भी रिफ्लेक्टर कोटिंग निकल रही है। और रिफ्लेक्टर वाला तो गलती से भी नहीं डलवाना है आपको, अगर आप यूट्यूबर हो, आप नाइट में स्टोरीज वगैरह शॉर्ट्स वगैरह ले रहे हो, अगर आप उसके ऊपर फ्लैश गिरता है तो वो पूरा पिक्सल्स फाड़ देता है पूरा, जो रिफ्लेक्टर वाला होता है। इसलिए मैट वाले बनवाना, जो भी बनवाना, ब्लैक या वाइट कलर में। तो अभी देखते हैं क्या क्या प्लेसमेंट करने की क्या प्लानिंग है, अभी तो सब इसके ऊपर है, जैसा इसको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनल ये हुआ है कि सेम मेरी जो पैंथर में लगा है वैसा स्टिकर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ये यूट्यूब वाला और उसके नीचे लोगो और ऊपर ये यूट्यूब का नेम। तो अभी देख लो आप कैसे लगाना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको स्टिकर होल्ड कर लेना है और सेंटर पार्ट देख लेना है आपको कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही स्टिकर पास में लेके जाओगे तो ये पहले सेंटर जो है वी और 28 के बीच का गैप चिपकना चाहिए, तो इस तरीके से आप सेंटर को देख सकते हो काफ़ी इजीली। तो अभी एक साइड से आपको पहले एक चिपका लेना है, तो ये देखिए, ताकि बबल्स ना आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, देख पा रहे हो आप, तो उठाने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ एयर को धकेलना है धीरे धीरे, आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और उसके बाद में ये अपना ये हो गया। तो अभी भी आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट आपको अच्छे से इस पर अपनी उंगलियां घुमा लेनी है ताकि इसमें से जो बबल होगी वो पहले ही निकल जाए। तो ये देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो एयर तो निकल चुकी है, तो अभी भी ये काफ़ी भद्दा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है मैं भी आपको बताऊंगा। ऊपर का ये जो ये टिंट पेपर है उसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्रे स्टोन दिख रहा है, बट जैसे हम लोग इसे हटाएंगे, और हटाने के टाइम पे एक बात ध्यान रखना गाइस, आपको कुछ इस तरीके से हटाना है इसे टेढ़ा करके, मतलब अगर कोई स्टिकर उठ भी जाता है तो वापस से आप उसे दबा सको। गाइस तो अभी चेक करो कितना प्रॉपर और प्यारा लग रहा है, ये जो हमारा यूट्यूब नेम है वो सेंटर पर आ गया, आधा इस तरफ और व्लॉग्स इस तरफ, तो प्रॉपर सेंटर मिल गया हमें। तो अभी हम लोग को हमारा प्यारा सा लोगो यहाँ पे चिपकाना है इसके नीचे। तो अभी लोगो कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लो। तो गाइस तो अभी लोगो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अगर आपको नहीं जमता है तो आप उन्हीं से करवा सकते हो जो बनाते, बट हम लोग ये गांव से लेके आए, तो सेंटर पार्ट पे ऐसे उंगली रखनी है,
सेंटर कर लेना है मैच, और ये हो गया पेस्ट। तो ये हो गया है पेस्ट, तो अभी इसे भी क्रॉस करके खींच लेंगे। तो ये GoPro का, तो ये स्टिकर लेने के लिए आपको 50,000 खर्चा करना पड़ता है। तो ये स्टिकर हम लोग लगाएंगे, लग गया यहाँ पे, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे या फिर यहाँ पे डलवाएंगे। तो देखो यहाँ पे GoPro का लग गया। तो ये है अपना 50,000 का GoPro का स्टिकर। तो ये ब्लैक ब्लू वाइट के कॉम्बिनेशन में और रेड टैंक का देखो कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। तो यहाँ पे अपना GoPro का लग गया, यहाँ पे अपना मेन यूट्यूब चैनल का लग गया। तो अभी इंस्टाग्राम आईडी डाल रहे हम लोग, तो कुछ इस टाइप का प्लान है अभी। तो अभी लगाते इसे यहीं पे लगाते हैं क्योंकि अच्छा भी लग रहा है। 5 minutes later तो गाइस इंस्टाग्राम भी लग चुका है अपना। गाइस तो अभी हम लोग ने सारे स्टिकर्स बड़े प्यार से चिपका दिए, बस एक स्टिकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं दिखा दूंगा आपको अभी क्या सीन है। तो अभी देखते हैं बाइक के पास। तो फ्रंट से चेक कर लो गाइस, तो ये है अपना यूट्यूब का लोगो। तो ये वाला जो है ये थोड़ा ग्लॉसी पार्ट है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो मजबूरी में ये करवाना पड़ा क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अगर हम लोग इसमें मैट कलर मिल रहा नहीं था रेड में, तो अभी ये फ्लैश डाला दिया मैंने, और अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आई होप आप देख पा रहे होंगे, अंधेरा नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में अंधेरे की एक इमेज डाल दूंगा कि ये कैसे पिक्सल्स फाड़ देता है। तो वैसे अपना व्लॉग्स वगैरह पे देख पा रहे हो मैट है, इसके लिए कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, बट यूट्यूब वाले पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे टैंक वाले में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन टैंक का जो है वो काफ़ी प्यारा फिनिशिंग आया है ये स्टिकर का। तो प्रॉब्लम जो आया है वो यहाँ पे आर पे आया, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। तो ये धूप की वजह से वो हो जाएगा और प्रॉपर वो पेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा पिचक गया ऐसा हो गया थोड़ा सा, लेकिन वो पता भी नहीं चल रहा है। 90% ओके स्टिकर, बस वो 10% थोड़ा सा वो लेयर आ गया है उस पर, चिपक तो प्रॉपर गया बस लेयर आ गया, तो गर्म होने के बाद वो हो जाएगा प्रॉपर। तो उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे लगाया GoPro का अपना बैजिंग, जिसके लिए हम लोग ने 50,000 खर्चा करके GoPro Hero 11 लिया था। तो ये कुछ स्टिकर्स इस तरीके से लग चुके हैं अपने। तो ये है मेरे दोस्त का YouTube हैंडल, तो ये है SB28 Vlogs, तो जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। और उसी के साथ ये है इसका इंस्टाग्राम आईडी, तो दोनों के कोलैबोरेशंस में रील्स आते हैं, तो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा ये कोलैबोरेशन में, वहाँ पे जाओ टैप करो, इसे भी फॉलो करो और इसके भी 1K फटाफट करवाओ गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि इस बाइक पे ड्रिफ्टिंग वीडियोस, स्टंट वीडियोस, व्हीली शूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वीडियोस चाहिए अगर आपको, तो जाओ इसके चैनल पे जाके कमेंट करो और बंदे को थोड़ा मोटिवेट करो वीडियोस के लिए, तो फिर बंदा रेगुलर आएगा और आपको इस बाइक पे स्टंट वीडियोस भी मिलेंगे। ये सारे स्टिकर्स लग चुके हैं। तो अगर कोई क्वेरी वगैरह होगी आपको स्टिकर्स के रिलेटेड वगैरह, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। सो ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं खींचना है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाना चाहता था मैं, इसलिए मैंने व्लॉग शूट किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं कि अपने बाइक पे कहाँ चिपकाए। तो NSA तो कर सकते हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, कर दे इस व्लॉग का ये बैंड, फिर मिलते हैं और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट।